नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सम्मी। आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। शादी के 6 माह बाद पति और पति का दोस्त महिला से करते रहे सामूहिक दुष्कर्म। विरोध करने पर पति करता था मारपीट। मामला खोराबार थाना क्षेत्र का। एडीजी के आदेश पर दर्ज हुआ मुकदमा। एसपी सिटी ने कहा, आरोपी पति व उसके दोस्त की जा रही है तलाश, जल्द होगी गिरफ्तारी। आगामी बकरीद के त्योहार के मद्देनजर नगर निगम की तैयारी हुई पूरी। नगर आयुक्त ने कहा, नगर निगम के चिन्हित 45 जगहों पर ही होगी कुर्बानी। किसी भी हालत में खुले जगह पर जानवरों की नहीं होने दी जाएगी कुर्बानी। मस्जिद और ईदगाह पर साफ सफाई के लिए संबंधित को कर दिया गया है निर्देशित। जुलाई से शुरू हो रहे श्रावण मेले की तैयारियों पर जिलाधिकारी कृष्णा करुड़ेस ने कहा कि जनपद के सभी मंदिरों की करवाई जा रही है साफ सफाई। सुरक्षा के दृष्टिगत मंदिरों पर पुलिस कर्मियों की लगेगी ड्यूटी। सभी तैयारियां हैं पूरी। शांति सद्भावना समिति के सदस्यों की बैठक एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह व एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई की अध्यक्षता में एनएक्सी भवन के सभागार में सकुशल हुआ संपन्न। कहा, किसी तरह की असुविधा होने पर तत्काल ने पुलिस को सूचना, तुरंत की जाएगी मदद। पूर्वोत्तर रेलवे के सभी स्टेशनों पर लगाया जाएगा हाईटेक कैमरा। पूर्वोत्तर रेलवे के सीपीआरओ ने कहा, 33 में 11 स्टेशनों पर कैमरा लगाने की कार्यवाही की जा चुकी है पूरी। बाकी स्टेशनों पर जल्द लगेगा कैमरा। अपराधियों पर लगेगा लगाम। कैमरा पहचानेगा अपराधियों का चेहरा। आईजीआरएस पर आई शिकायतों के निस्तारण पर एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा कि सभी शिकायतों की जा रही है मॉनिटरिंग। निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को दिए गए हैं दिशा निर्देश। श्रावण मेले पर 12 जुलाई से 12 अगस्त तक पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर से देवघर तक चलाएगा स्पेशल ट्रेन। 13 जुलाई से 13 अगस्त तक देवघर से गोरखपुर के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन। पूर्वोत्तर रेलवे के सीपीआरओ पंकज कुमार सिंह ने दी जानकारी। पुलिस ऑफिस के सभी कार्यालयों का एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने किया निरीक्षण। कहा, जन सुनवाई का निस्तारण ही है उनकी पहली प्राथमिकता। फरियादियों के प्रार्थना पत्र का किया जा रहा है रजिस्ट्रेशन। फरियाद सुनने के बाद फरियादी को दिया जा रहा है रसीद। लिया जाएगा फोन करके फीडबैक। बकरीद के पर्व पर बकरों की कुर्बानी के लिए सजे बकरों के बाजार। आसमान छू रही है बकरे की कीमत, फिर भी बकरा खरीदने उमड़े ग्राहक। तेईस मई को विकास खंड बेलघाट में तैनात सफाई कर्मी अमरनाथ की मृत्यु हो जाने के बाद डीपीआरओ हिमांशु शेखर ठाकुर ने मृतक की पत्नी शकुंतला देवी को सौंपा नियुक्ति पत्र। कहा, नौकरी से मृतक की पत्नी को जीवन जीने में होगी आसानी। और रविवार 10 जुलाई को मनाया जाएगा बकरीद का त्योहार। शहर काजी के सुपुत्र एवं समाज सेवी मोहम्मद कलीम फारूकी ने कहा, मुस्लिम समाज अपने अपने घरों में देंगे बकरों की कुर्बानियां। अब खबरें विस्तार से। खोराबार थाना क्षेत्र की एक महिला ने अपने पति और पति के दोस्त पर मारपीट करने, दहेज के लिए प्रताड़ित करने व रेप करने का वीडियो बनाकर उसे वायरल करने की धमकी दिए जाने का आरोप लगाया है, जिस पर महिला एडीजी जोन अखिल कुमार के पास पहुंची। एडीजी जोन ने खोराबार थाने को निर्देश दिया कि पति और उसके दोस्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, जिसके बाद खोराबार थाने में पति और उसके दोस्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जा रहा है। आपको बता दें कि खोराबार क्षेत्र निवासी
पति राजकुमार, उसके दोस्त बांसगांव थाना क्षेत्र निवासी विक्की उर्फ लक्की के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है, जिसके संबंध में SPCD कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि खोराबार थाना क्षेत्र की जंगल चवरी निवासी एक महिला ने खोराबार पुलिस को तहरीर दी कि उसका पति बीते 6 माह से आए दिन शराब के नशे में अपने दोस्त के साथ घर आता है, पति बगैर सहमति के उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है, साथ ही अपने दोस्त के साथ भी शारीरिक संबंध बनवाता है। विरोध करने पर उसकी पिटाई की जाती है, इतना ही नहीं वह जान से मारने और घर से निकालने की भी धमकी देता है और दहेज के लिए प्रताड़ित भी करता है। इस मामले में गांव में पंचायत हुई थी, लेकिन उसके अंदर कोई सुधार नहीं आया। बीते 6 जून को पति अपने दोस्त विक्की के साथ घर पर आया और मारपीट कर दोनों ने बारी बारी से जबरदस्ती दुष्कर्म किया और वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देने लगा, जिसके बाद महिला ADG महोदय के पास पहुंची, जिनके निर्देश पर पति और उसके दोस्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जा रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SPCD कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, जनपद गोरखपुर में कल शाम के समय ADG महोदय द्वारा सभी लोगों की समस्याओं के निस्तारण के लिए एक मीटिंग बुलाई गई थी। उस मीटिंग में एक महिला प्रस्तुत हुई, उसने बताया कि उसके साथ में उसके पति के दोस्त द्वारा रेप किया गया एवं वीडियो बनाया गया। इस तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है एवं पति, पति के दोस्त एवं अन्य नामजद लोगों की गिरफ्तारी कर शीघ्र ही आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। आगामी बकरीद के त्यौहार तथा मस्जिदों पर साफ सफाई को देखते हुए नगर निगम की तैयारी पूरी है, जिसके संबंध में नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने बताया कि बकरीद के त्यौहार को मद्देनजर नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत 45 जगहों पर जानवरों की कुर्बानी दी जाती है। वहां पर जानवरों से अवशिष्ट निकलता है, उसको ले जाने के लिए गाड़ी पर ड्राइवर, हेल्पर, सुपरवाइजर, एरिया इंस्पेक्टर की ड्यूटी लगाई गई है और 10, 11, 12 तारीख पर अलर्ट कर दिया गया है। मस्जिद और ईदगाह पर साफ सफाई, चूना, घोल, छिड़काव एवं फॉगिंग के लिए निर्देशित कर दिया गया है। किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए, किसी भी हालत में खुले जगह पर जानवर की कुर्बानी नहीं होनी चाहिए और जो 45 जगह कुर्बानी के लिए चिन्हित हैं उसके अलावा कहीं पर भी कुर्बानी नहीं होनी चाहिए। जानवर के अवशिष्ट को ढकने के लिए ट्रिपल नमक लोहे की चादर की व्यवस्था की गई है। जानवर के अवशिष्ट जहां पर दबाया जाएगा वहां पर कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। वहां पर भरपूर गहरा में नमक डालकर मिट्टी से दबाने के बाद अच्छी तरह से टाइट किया जाएगा कि कोई पशु या कुत्ता उसे खोद कर अवशिष्ट को बाहर ना निकाल पाए। उन्होंने बताया कि नगर निगम से पूरी तरह से तैयारियां कर ली गई हैं तथा जलकल विभाग को भी सूचित कर दिया गया है कि 3 दिनों के लिए 24 घंटे लगातार हाई प्रेशर के साथ पानी को चलाएंगे, इससे कहीं पर भी कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने कहा, आगामी बकरीद के त्यौहार के मद्देनजर 6 तारीख और 7 तारीख को नगर निगम के संबंधित समस्त अधिकारीगण और कर्मचारीगण के साथ बैठक करके पूरी विस्तृत रणनीति तैयार कर ली गई है। गोरखपुर नगर निगम के अंतर्गत 45 जगहों पर कुर्बानी दी जाती है और वहाँ पर जो अवशिष्ट निकलेगा उसको ले जाने वाले गाड़ी, कौन उस गाड़ी पे ड्राइवर होगा, कौन उसका हेल्पर होगा, उस एरिया में कौन सुपरवाइजर रहेगा, कौन इंस्पेक्टर रहेगा, इन सभी लोगों की लिखापढ़ी में ड्यूटी लगा दी गई है और 10, 11 और 12 के लिए उनको अलर्ट कर दिया गया है। साज और सफाई के लिए, चूना मेल्थियन घोल के छिड़काव के लिए, हॉगिंग के लिए कल की बैठक करके सभी को बता दिया गया है कि इस कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए, किसी भी हालत में प्रतिबंधित पशु की कुर्बानी नहीं होनी चाहिए और जो 45 स्थल कुर्बानी के लिए चयनित हैं उसके अलावा किसी अन्य जगह पर कुर्बानी नहीं होनी चाहिए और जो हमारे रूट निर्धारित किए गए हैं उस रूट से लेकर ही वहाँ पर जो जहाँ पर इनको दबाया जाना है वहाँ की भी पूरी तैयारी पूरी हो चुकी है और उस तैयारी को देखते हुए हमारी टीमों ने पूरी की कैसे उसमें नमक, जो उसको ढकने के लिए जो अन्य जो तिरपाल लोहे के नीचे लगाने वाली चादरें, अन्य जो भी इससे जुड़ी हुई चीज़ें हैं
सभी चीज़ें यहाँ पर आ चुकी हैं। और इसके साथ साथ जो जहाँ पर इनको दबाया जाएगा 24 घंटे के लिए, वहाँ पर भी ड्यूटी लगा दी गई है, सतत निगाह रखेंगे। और इस प्रकार से उतने गहरे में और इतने कायदे से नमक डालकर और उसके ऊपर दबाने के बाद मिट्टी से अच्छी तरह उसके ऊपर मलबा भी डालकर कायदे से इस प्रकार से टाइट कर देंगे कि कोई भी पशु आदि उसको जो है खोद कर अवशिष्ट को बाहर ना निकालने पाए। तो नगर निगम की सभी तैयारियां पूरी हैं, जलकल विभाग को सचेत कर दिया गया है और उनको बताया गया है कि वो जो है उस दिन 3 दिनों के लिए 24 घंटे लगातार हाई प्रेशर के साथ पानी को चलाएंगे, जिससे कि कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। और सभी जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं उसमें मुस्लिम जो हमारे धर्म के हमारे कर्मचारी हैं उनको कहा गया है कि वो आना चाहें तो ड्यूटी पे आ सकते हैं, बाकी अन्य सभी जो इससे जुड़े हुए अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी भी कैंसिल कर दी गई है। सभी लोग अपनी ड्यूटी पर रहेंगे, 3 जगहों पर कंट्रोल रूम चलते रहेंगे, एक पुरानी बिल्डिंग पर, एक नई बिल्डिंग पर और एक कैंप ऑफिस पर। वहाँ पर लगातार हमारे जो 8-8 घंटे के हिसाब से ड्यूटियाँ भी लगा दी गई हैं, सभी लोग ड्यूटी पे मुस्तैद रहेंगे। कहीं से भी कोई सूचना आने पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। हमारे मुस्लिम क्षेत्रों के जो सुपरवाइज़र हैं, जो इंस्पेक्टर हैं, उन्होंने 2-2 गाड़ियाँ अलग से, मैं जो है सफाई कर्मियों के, वो अपना इमरजेंसी गैंग भी उन्होंने तैयार कर लिया है, कहीं से कोई सूचना आने पर उस पर भी एक्शन होगा। इसी प्रकार से इमरजेंसी गैंग वाली गाड़ियां जो हैं नगर निगम में भी रहेंगी, जिससे कि तत्काल कहीं कोई सूचना मिलेगी उस गाड़ी को दौड़ाकर उस समस्या का समाधान करा दिया जाएगा। इस प्रकार से नगर निगम की एक जो रणनीति के हिसाब से तैयारियां जो हैं ठीक तरीके से चल रही हैं, कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होने दी जाएगी। जिलाधिकारी कृष्णा करुड़ेस ने श्रावण मेले की तैयारियों पर कहा कि 14 जुलाई से श्रावण प्रारंभ हो रहा है, जिसको देखते हुए सभी मंदिरों की साफ सफाई करवाई जा रही है, जिसके लिए सभी थानों पर बैठक की जा चुकी है। इसके अलावा तहसील लेवल पर CO AOMIC थानाध्यक्षों के साथ मीटिंग की जा चुकी है तथा सभी अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वह अपने अपने क्षेत्र के सड़कों को ठीक करवा दें और जो सड़कें खराब हैं वहां पर बैरिकेटिंग करवा दें, जिससे किसी श्रद्धालु को किसी तरह की समस्या ना हो। सड़क पर जो भी बिजली के तार नीचे हैं उसको ऊपर करवा दिया जाए। उन्होंने कहा सभी विभागों के द्वारा कार्य करवाया जा चुका है, जो भी थोड़ी कमी है उसको जल्द ही दूर कर लिया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी कृष्णा करुड़ेस ने कहा अभी आने वाले वक्त में 10 तारीख को तो ईद है, उसके बाद फिर सावन मेला है, सोमवार 26 तारीख को महाशिवरात्रि है। इस संबंध में सभी थानों में 120 मीटिंग हो गया है और तहसील लेवल पे जो कोऑर्डिनेशन है उसमें SDM, CO, MOIC, EOs, DDOs के लेवल पे मीटिंग कराई जा रही है और समस्त रास्ता साफ सफाई, लाइट्स, जहाँ जहाँ स्नान स्थल है वहाँ पे लाइट्स, बैरिकेटिंग की व्यवस्था, जो रोड्स है उसका अगर कोई रोड से कुछ प्रॉब्लम है तो उसका रिपेयर, अगर कोई बिजली का तार उस रूट में कहीं जर्जर हुआ है उसको ठीक कराने के लिए सभी तरह का निर्देश दिए जा चुके हैं और समस्त विभाग के द्वारा मैक्सिमम काम कराया भी जा चुका है। ऑनगोइंग प्रोसेस है, जो भी थोड़ी बहुत कमी जिस तरह निकलती रहेगी उसको भी ठीक कराते रहेंगे ताकि जितने भी श्रद्धालु हैं और सभी को मतलब बेहतर से बेहतर हमें सुविधा प्रदान करें। ADM सिटी विनीत कुमार सिंह व SP सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने शुक्रवार को शांति सद्भावना समिति के सदस्यों के साथ NXC भवन के सभागार में बैठक की। इस दौरान ADM सिटी ने कहा कि 10 जुलाई को बकरीद का पर्व मनाया जाएगा, जिसके लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। सभी लोग शांतिपूर्ण तरीके से त्यौहार मनाएं और कुर्बानी देते समय खून को नाली में ना बहाएं, क्योंकि कुछ लोगों को इससे दिक्कत होती है। इसीलिए कुर्बानी देते समय खून को किसी गड्ढे में डालकर ऊपर से मिट्टी डाल दें। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 14 जुलाई से श्रावण प्रारंभ हो रहा है, जिसके लिए सभी मंदिरों की साफ सफाई कराई जा रही है, सड़कों को ठीक करवाया जा रहा है, सभी बिजली के नीचे लटके तारों को ऊपर करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा यदि किसी को किसी तरह की समस्या होती है तो तत्काल पुलिस को सूचना दे, उस पर तुरंत कार्यवाही की जाएगी। इस अवसर पर SP नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी, SP साउथ अरुण कुमार सिंह, CMO डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे, सिटी मजिस्ट्रेट संजय कुमार सिंह, CO गोरखनाथ रत्नेश कुमार सिंह, CO कैंट श्याम देवबिंद, CO कोतवाली विमल कुमार सिंह, राजघाट थाना प्रभारी संजय कुमार मिश्रा, कोतवाली थाना प्रभारी कल्याण सिंह सागर, गोरखनाथ थाना प्रभारी मनोज कुमार सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
इजाफ होना पड़ रहा है। इसके अलावा 26 जुलाई को इंतजाम का सिवाती ये दौरा पड़ेगा। इन सभी त्योहारों को लेकर आज एक मीटिंग आप लोगों की बुलाई गई है, आप लोग सिंह साहब ऊपर आ जाइए। लड़काई महोदय और रजिस्ट्रेशन बहुत स्वागत है, किंतु मुख्यमंत्री जी का कोई कार्यक्रम करने वाला है उसको लेकर तैयारी कर रहे हैं। उनको डॉक्टर राज क्या तो संकट कराया कि संकट करने आगे आप लोग करिए, अगर समय से मुक्त हो जाते हो वहाँ से तो आएंगे, अन्यथा फिर हम लोग वैसे तो बकरीद और सावन महीने के त्यौहार को लेकर जो तैयारी बैठक हमारी है उसको लेकर आज आपको बुलाया गया है। तो मैं पहले आप ही लोगों से बात करूँगा टेक्निकली की तरह कि आप लोग अपने चुनाव बकरीद त्यौहार और सावन महीने के त्यौहार को लेकर रहेंगे, और यहाँ पर नगर निगम से अपन मेरा इंसान भी आए हुए हैं अपन साहब ऊपर आ जाओ, और इसके अलावा पुलिस विभाग से हमारे साथी सिटी साहब, एस पी नाथ साहब, रशीद साहब, अपर नगर आयुक्त साहब, सी एम ओ साहब, अन्य सभी हमारे शहर के मजिस्ट्रेटगण, सी ओ साहब सभी उपस्थित हैं। तो मैं पहले आप लोगों से चाहूँगा कि आप लोग अपने चुनाव वो मीटिंग ले रहे हैं और मैं स्वागत करना मैं पहले चाहूँगा आप ये आपने अच्छी चीज़ कही, तो मैं सिटी मजिस्ट्रेट साहब से कहूँगा पहले अपना परिचय दें। सिटी मजिस्ट्रेट साहब दर्शकों मेरा नमस्कार, मैं अनिल कुमार सिंह, यहाँ नया सिटी मजिस्ट्रेट मैंने ज्वाइन किया है। मैं आगरा जनपद से आ रहा हूँ और मैंने इससे पहले रायबरेली, बनारस, जौनपुर और आगरा में अपनी एजेंसी सेवा दी है। धन्यवाद। यहाँ पर जो भी कानून व्यवस्था होगी और बेहतर होगी। मैं तो चाह रहा था कि ये हमारे जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक साहब हैं वो भी यहाँ पर होते और अच्छा होता, अच्छी बातें होती। डीएम साहब होते लेकिन वो शायद किसी काम की वजह से बिजी हो गया, नहीं आ पाए, लेकिन फिर भी हम अपनी बातें जो भी बातें हैं वो आप लोगों के बीच में रखना चाहते हैं। सबसे पहले सर, यहाँ पर जो यहाँ की तहजीब है, हिंदू मुस्लिम जो भी लोग हैं यहाँ पर, सब लोग बहुत ही मिलजुल के रहते हैं, कहीं पर भी इस तरीके की कोई परेशानी नहीं है। लेकिन हर वर्ग में कुछ ना कुछ लोग ऐसे होते हैं, खुराफाती होते हैं कि जो लोग माहौल को ख़राब करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो उसमें हम लोगों का ये रोल होता है कि हम लोग नज़र रखते हैं, कहीं पर भी इस तरह की कोई भी एक्टिविटीज़ दिखाई देती है तो उसको तत्काल जो है पुलिस को या जो भी खुफिया विभाग है उसको देते हैं। एक मांग हमारी है पुलिस प्रशासन से भी और नगर निगम से भी कि जहाँ पर भी कुर्बानी होनी है वहाँ पर देख लें, और जो भी जैसे वेस्ट मटेरियल उसका निकलता है तो नगर निगम उस वक्त उसको बहुत ही एक्टिव रहना है, ट्राली मौजूद हो और पन्नी के साथ मौजूद हो, पन्नी से पूरी ढक करके ले जाए उस चीज़ को कि रास्ते में कहीं पर भी इसका 1% भी कोई भी चीज़ नीचे ना गिरे और किसी को भी इसकी वजह से कोई भी दिक्कत या परेशानी ना हो। कुर्बानी होनी है या कुर्बानी की जगह जो कि गिनती गई है जहाँ पर कुर्बानी होती है वहाँ पर भी पूरी साफ सफाई की पूरी व्यवस्था की गई है। कहीं भी कि अगर आप कहीं पर बिजी हैं, अगर आप कहीं कोई काम कर रहे हैं अपना, तो अगर आपको कोई फ़ोन कर रहा है, इससे पहले भी मैंने कहा था, तो फिर रिटर्न उसका हुई कि हम हो सकता है कि कोई ऐसी घटना हो, कोई ऐसी चीज़ हो जो कि हम आपको ही सूचित करना चाहते हों और आप ही को बताना चाहता हूँ। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है कि जब भी बिजी खाली हो, जब कोई भी चीज़ हो तो फिर कॉल बैक ज़रूर करें उसको, और हम सब लोग आपके सारे लोग आपके साथ खड़े हुए हैं, कहीं पर भी इंशाल्लाह कोई बात नहीं होनी है, और अगर कहीं कोई बात होती है, कोई खुदा न खास्ता कुछ होता है तो उसकी तत्काल सूचना आप लोगों को उनका सर पार्टन लोगों का ड्यूटी लगाई जाती है, और हर वर्ष की बात जो भी हमारे तीन डिवीजन है सर, मेरी एक रिक्वेस्ट है, हमारे बहुत ही पुराने जिला शांति सद्भावना समिति के वरिष्ठ सदस्य
डॉक्टर अजीज साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, तो हम उनको चाहेंगे कि वो भी सबसे पहले वो बोलें, उसके बाद से पेश करें। तमाम सीनियर ऑफिसर्स, दोस्तों के साथ ये साल के साथ ये एक्सरसाइज होती रही है कि जब भी कोई, लेकिन कई दफ़ा ये एहसास हुआ कि मीटिंग होना इसलिए ज़रूरी है कि कभी कभी कुछ मामला ऐसे रहते हैं सड़क के और नाली के और डाल के, साल ब साल उभर के सामने आते हैं और सडनली एक प्रॉब्लम पैदा हो जाती है। तो इसलिए ये मीटिंग, पहले तो ये मेरा कहना है कि मीटिंग बहुत ज़रूरी है, बुलाई जाया करें और लोग आए, और जिनको कहीं से भी थोड़ा बहुत भी शुभ है परेशानी का वो अपनी बात यहाँ रखें। यकीनन ऑफिसर्स चाहेंगे कि पीसफुली जो भी त्यौहार वो गुजर जाए, और इससे पहले कि त्यौहार आए और चला जाए, मैं आप तमाम लोगों को उसकी मुबारकबाद देता हूँ। बैंक तो हम बहुत ज़्यादा बात करेंगे, बोले इधर की जरूरत था कि बदतमीज लड़के डाक थे, सौ में होते हैं डाक के बदला अपनी संभाल करते हैं, तो वो डाक दीवार में कुछ रंग टोकना ये करना वो करना करते थे, लेकिन दोस्तों में कि सर डाक का तो केवल प्रशासन से द्वारा या शासन द्वारा रहता है कि डाक का ये 15 साल से जुड़ा रहता है कि हम भूसी जी को केवल रहने जरूरी है, इसीलिए शासन से प्रशासन से ये आदेश आता कि गाय की जो नमाजी की होगी वो स्वस्थ नहीं होगी, तो हमने नमाज सब होती है, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर ख्याल रखा कि हम उस कदम से कदम जाकर शासन प्रशासन साथ चले गए, तभी उनको आराम मिलेगा, कोई दिक्कत होगी तो उसे सॉल्व हो जाएगा। तो ये उससे जो व्यवस्था उसको उठाने के लिए ये तीन ही कार्य लगी है, हम ये कहेंगे अपनी भैया जहाँ लगती है वो नगर निगम द्वारा पानी लगनी चाहिए, हर मस्जिदों पर नमाज होनी है, लेकिन ईदगाह में संख्या 10 से 12 हज़ार 15 हज़ार के आदमी इलाही बार ईदगाह होती है, ये तो हमारी आपसे बात होगी सब उसमें कहना जरूरी है। एक बात लेकिन बचता है नाली में ना फेंके और ना कूड़े में, क्योंकि कूड़े पर आप रखते हैं तो दो दिन कूड़े द्वारा है जी हम व्यवस्था है, और जो ताली आती है उसको प्रायश्चित से मतलब वो मर्द को घोड़ा नहीं आता रास्ते में, कोई चीज ना पड़े कोई सब खून ना करके स्वास्थ्य। पूर्वोत्तर रेलवे के द्वारा स्टेशनों पर हाईटेक कैमरा लगाया जाएगा, जिसके संबंध में पूर्वोत्तर रेलवे के CPRO पंकज कुमार सिंह ने बताया कि भारतीय रेल ने 756 स्टेशनों को सेलेक्ट किया है, उन सभी स्टेशनों पर बेस्ट कैमरा लगाया जा रहा है जिसकी त्रिस्तरीय मॉनिटरिंग की जाएगी। स्टेशन पर कंट्रोल रूम, डिविजनल कंट्रोल रूम, जोनल कंट्रोल रूम रहेगा, क्योंकि वह कैमरा IP बेस्ट रहेगा जिसको कहीं से भी मॉनिटरिंग किया जा सकेगा। उन्होंने कहा पूर्वोत्तर रेलवे के 33 स्टेशनों पर इस प्रकार का कैमरा लगाया जाएगा, जिसमें से 11 स्टेशनों पर इस तरह का कैमरा लगाया जाएगा। इस कैमरे में फेस जांच करने की भी सुविधा है, अगर कोई अपराधी स्टेशन पर आता है और कैमरे की नज़र में आ जाएगा तो कैमरे के द्वारा अलर्ट जाएगा, जिससे अपराध पर रोकथाम होगा और यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के CPRO पंकज कुमार सिंह ने कहा गोरखपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन यात्रियों का स्वागत करता है, यात्रीगण कृपया ध्यान दें गाड़ी संख्या 03 बनारस इंटरसिटी एक्सप्रेस के मार्ग से बनारस को जाने वाली स्टेशन ऑफ पैसेंजर्स ट्रेन नंबर 15103 बनारस इज शेड्यूल्ड टू डिपार्ट फ्रॉम प्लेटफॉर्म नंबर 4 एट 16:20। स्टेशनों पर हाईटेक कैमरे लगाए जाने की क्या तैयारी है? पूरे भारतीय रेल पर कुल 756 स्टेशनों को सेलेक्ट किया है, जिसपे रेलटेल द्वारा IP बेस्ड कैमरे लगाए जा रहे हैं। इन जो कैमरे लगाए जा रहे हैं इनकी मॉनिटरिंग त्रिस्तरीय मॉनिटरिंग की जाएगी, एक स्टेशन पे कंट्रोल रूम रहेगा, डिविजनल कंट्रोल रूम रहेगा और जोनल कंट्रोल रूम। इसके अलावा चूँकि IP बेस्ड हैं तो इसको कहीं से भी खोल के इसको मॉनिटर किया जा सकता है। अभी अगर मैं पूर्वोत्तर रेलवे की बात करूं तो पूर्वोत्तर रेलवे के कुल 33 स्टेशनों पर इस प्रकार के कैमरे लगाए जाने हैं, जिनमें से 11 स्टेशनों पर अभी तक ये कैमरे लगाए जा चुके हैं, और इस कैमरे में फेस रिकॉग्निशन की भी सुविधा है, जिसके माध्यम से अगर कोई वांटेड अपराधी रेलवे स्टेशन पर आता है तो उसका फेस अगर पहले से
उसकी फोटोग्राफ अगर इनके पास अवेलेबल है तो उसका अलर्ट आएगा और उसको जो है दिया जा सकेगा जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उनको। तो इससे अपराध पे रोकथाम लगेगी और रेलवे लगातार नई टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहा है जिससे कि यात्रियों को बेहतर सुरक्षा, बेहतर से बेहतर सुरक्षा व्यवस्था मुहैया। एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने आईजीआरएस पर आई शिकायतों के निस्तारण पर कहा कि आईजीआरएस पर आई शिकायतों की मॉनिटरिंग की जा रही है तथा आईजीआरएस पर जो भी प्रार्थना पत्र आ रहे हैं उसकी समीक्षा की जा रही है। इसके अलावा शिकायतों का किस तरह से निस्तारण हो जिससे जनपद का परफॉर्मेंस बेहतर हो पाए इसका भी निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा जो भी लोग पुलिस को परेशान करने के उद्देश्य से बार बार आईजीआरएस डाला जा रहा है तो उसको बुलाकर समझाया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा, देखिए आईजीआरएस की जो प्रक्रिया है वो सेंट्रली उसको मॉनिटर किया जाता है। जो भी प्रार्थना पत्र आईजीआरएस में आते हैं उनका गुणवत्तापूर्वक और समय अवधि में उसका निस्तारण होना है, वही समीक्षा यहाँ पर की जाती है और इसमें जनपद की परफॉर्मेंस कैसे आगे बेहतर हो पाए उस संबंध में भी निर्देश दिए गए। सर कुछ लोग ऐसे भी जो बार बार आईजीआरएस डालते हैं, देखिए एक सक्षम अधिकारी द्वारा किसी भी प्रकरण में जब जांच कर ली जाती है तो उस संबंध में वादी को भी उस संबंध में जांच अधिकारी द्वारा सूचित किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति इस तरह से बार बार डाल रहा है तो उनकी समीक्षा भी की जाएगी और उनको बुला के संबंध में समझाया जाएगा। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक में जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। शादी के 6 माह बाद पति और पति का दोस्त महिला से करते रहे सामूहिक दुष्कर्म, विरोध करने पर पति करता था मारपीट। मामला खोराबार थाना क्षेत्र का, एडीजी के आदेश पर दर्ज हुआ मुकदमा। एसपी सिटी ने कहा आरोपी पति व उसके दोस्त की जा रही है तलाश, जल्द होगी गिरफ्तारी। आगामी बकरीद के त्योहार के मद्देनजर नगर निगम की तैयारी हुई पूरी। नगर आयुक्त ने कहा नगर निगम के चिन्हित 45 जगहों पर ही होगी कुर्बानी। किसी भी हालत में खुले जगह पर जानवरों की नहीं होने दी जाएगी कुर्बानी। मस्जिद और ईदगाह पर साफ सफाई के लिए संबंधित को कर दिया गया है निर्देशित। जुलाई से शुरू हो रहे श्रावण मेले की तैयारियों पर जिलाधिकारी कृष्णा करुड़ेश ने कहा कि जनपद के सभी मंदिरों की करवाई जा रही है साफ सफाई। सुरक्षा के दृष्टिगत मंदिरों पर पुलिस कर्मियों की लगेगी ड्यूटी, सभी तैयारियां हैं पूरी। शांति सद्भावना समिति के सदस्यों की बैठक एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह व एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई की अध्यक्षता में एनएक्सी भवन के सभागार में सकुशल हुआ संपन्न। कहा किसी तरह की असुविधा होने पर तत्काल ने पुलिस को सूचना, तुरंत की जाएगी मदद। पूर्वोत्तर रेलवे के सभी स्टेशनों पर लगाया जाएगा हाईटेक कैमरा। पूर्वोत्तर रेलवे के सीपीआरओ ने कहा 33 में 11 स्टेशनों पर कैमरा लगाने की कार्यवाही की जा चुकी है पूरी। बाकी स्टेशनों पर जल्द लगेगा कैमरा, अपराधियों पर लगेगा लगाम, कैमरा पहचानेगा अपराधियों का चेहरा। आईजीआरएस पर आई शिकायतों के निस्तारण पर एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा कि सभी शिकायतों की जा रही है मॉनिटरिंग, निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को दिए गए हैं दिशा निर्देश। श्रावण मेले पर 12 जुलाई से 12 अगस्त तक पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर से देवघर तक चलाएगा स्पेशल ट्रेन। 13 जुलाई से 13 अगस्त तक देवघर से गोरखपुर के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन। पूर्वोत्तर रेलवे के सीपीआरओ पंकज कुमार सिंह ने दी जानकारी। पुलिस ऑफिस के सभी कार्यालयों का एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने किया निरीक्षण। कहा जन सुनवाई का निस्तारण ही है उनकी पहली प्राथमिकता। फरियादियों के प्रार्थना पत्र का किया जा रहा है रजिस्ट्रेशन। फरियाद सुनने के बाद फरियादी को दिया जा रहा है रसीद, लिया जाएगा फोन करके फीडबैक। बकरीद के पर्व पर बकरों की कुर्बानी के लिए सजे बकरों के बाजार। आसमान छू रही है बकरे की कीमत, फिर भी बकरा खरीदने उमड़े ग्राहक।
23 मई को विकास खंड बेलघाट में तैनात सफाई कर्मी अमरनाथ की मृत्यु हो जाने के बाद डीपीआरओ हिमांशु शेखर ठाकुर ने मृतक की पत्नी शकुंतला देवी को सौंपा नियुक्ति पत्र। कहा, नौकरी से मृतक की पत्नी को जीवन जीने में होगी आसानी। और रविवार 10 जुलाई को मनाया जाएगा बकरीद का त्योहार। शहर काजी के सुपुत्र एवं समाज सेवी मोहम्मद कलीम फारूकी ने कहा, मुस्लिम समाज अपने अपने घरों में देंगे बकरों की कुर्बानियां। पेगस निशान, गोरखपुर का एकमात्र निशान डस्टन का एक्सक्लूसिव शोरूम और वर्कशॉप। जी हां, सही सुना आपने। जिन गाड़ियों के खरीदने के लिए या सर्विसिंग के लिए आपको गोरखपुर से बाहर जाना पड़ता था, अब पेगस निशान लाए हैं ये सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। पेगस निशान सेल सर्विसेज एंड स्पेयर्स, भारत पेट्रोलियम के अपोजिट, नौसर गोरखपुर। हमारी तरफ से विशेष ऑफर, निशान डस्टन गाड़ी की खरीद पर फ्री इंश्योरेंस। Conditions apply. रॉयल लोगों की रॉयल पसंद रेड रॉयल चाय। को मंगलम टावर गोलघर के यहाँ कपड़े खरीदे भी, सिलवाए भी और ड्राईक्लीन भी करवाए। दो की ड्राईक्लीन पर एक कपड़ा मुफ्त। फ्री होम डिलीवरी और पिकअप के लिए कॉल करें 9044663300। योर कलर चॉइस ना वेरी बोरिंग। ह्यूज बाय हेडवेयर इटालियन कलेक्शन पूरे बाथरूम का लुक ही लिफ्ट कर देता है। व्हाट्स इट, यू लाइक इट चीकू? डॉगी को क्या पता कलर के बारे में? इट्स मैग्निफिसेंट एंड इट आल्सो कम्स इन गोल्ड एंड क्रोम ब्लैक एंड बाय द वे इट्स चीकू नॉट डॉगी। प्रेजेंटिंग ह्यूज बाय हिंदवेयर इटालियन कलेक्शन, स्टनिंग कलर फॉसेट्स विद लॉन्ग लास्टिंग फिनिश दैट्स नोटिस्ड बाय एवरीवन। हिंदवेयर इटालियन कलेक्शन। ISL इंस्टीट्यूट फॉर सिंप्लीफाइड लर्निंग दिल्ली के वेल क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड टीचर्स द्वारा संचालित ISL इंस्टीट्यूट फॉर सिंप्लीफाइड लर्निंग खजांची चौक नियर स्पोर्ट्स कॉलेज गोरखपुर। स्पेशल कंसेशन इन फी फॉर EWS एंड BPL कैटेगरी स्टूडेंट्स। अधिक जानकारी के लिए हमारे इन दो मोबाइल नंबरों पर संपर्क कीजिए 8853596 46। दूसरा मोबाइल नंबर है 7905844992। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है।
पूर्वोत्तर रेलवे के द्वारा श्रावण मेले को देखते हुए स्पेशल ट्रेन चलाया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के CPRO पंकज कुमार सिंह ने बताया कि श्रावण मेले को लेकर रेलवे स्पेशल ट्रेन चलाएगा, जिसमें एक ट्रेन गोरखपुर से देवघर जाएगी, जिसका संचालन 12 जुलाई से शुरू होकर 12 अगस्त तक चलेगा। यह ट्रेन कुल 32 फेरों में चलाई जाएगी। इसी तरह से देवघर से गोरखपुर के लिए एक आरक्षित ट्रेन चलाई जा रही है, जिसका संचालन देवघर से 13 जुलाई से शुरू होगा और 13 अगस्त तक 32 फेरों के लिए प्रतिदिन किया जाएगा। उन्होंने कहा, श्रावण मेला गाड़ी 20 बजे गोरखपुर से प्रस्थान करके चौरी चौरा, देवरिया, सदर, भटनी, मैरवा, सीवान, छपरा, सोनपुर, हाजीपुर, देशरी, शाहपुर, पटोरी, बरौनी, बेगूसराय, सुल्तानगंज, भागलपुर, बांका होते हुए देवघर पहुंचेगी। इस तरह से देवघर से गाड़ी दोबारा इसी तरह गोरखपुर स्टेशन पहुंचेगी। उन्होंने कहा, यात्रियों की सुविधा के लिए RPF कमर्शियल स्टाफ की ड्यूटी लगाई गई है तथा समय समय पर अनाउंसमेंट किया जाएगा, जिससे यात्रियों को गाड़ी के संचालन की जानकारी मिल सके। उन्होंने यात्रियों से अपील करते हुए कहा कि किसी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें, रेलवे के कर्मचारियों से सलाह लें या ऑनलाइन रेलवे की साइट पर जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के CPRO पंकज कुमार सिंह ने कहा, नाम पर चाबी का गुच्छा गिरा मिला हो लाके इंक्वायरी में दे जाएं। ध्यान दें, जिस भी ट्रेन पड़ी हुई है, चार पांच चाबियां हैं, कृपया मिला हो रिंग पड़ी हुई है, चार पांच चाबियां हैं, कृपया इंक्वायरी में लाकर दे जाए। धन्यवाद। श्रावण मेले को लेकर रेलवे किस तरह की तैयारी कर रहा है, कितने ट्रेनें चलाएंगे? श्रावणी मेले को लेकर विशेष ट्रेनें चलाने का रेलवे ने शेड्यूल जारी किया है, जिसमें एक ट्रेन जो गोरखपुर से देवघर जाएगी 05028, इस गाड़ी का संचालन 12 जुलाई से शुरू होकर 12 अगस्त तक चलेगा। यह ट्रेन कुल 32 फेरों में चलाई जाएगी। इसी प्रकार से 05027 देवघर से गोरखपुर के लिए भी एक अनारक्षित विशेष गाड़ी चलाई जा रही है। ये इसका संचालन देवघर से 13 जुलाई से शुरू होगा और 13 अगस्त तक 32 फेरों के लिए प्रतिदिन किया जाएगा। अगर इसके शेड्यूल की बात करें तो 05028 गोरखपुर देवघर अनारक्षित श्रावणी मेला विशेष गाड़ी, ये गोरखपुर से 20 बजे प्रस्थान कर चौरी चौरा, देवरिया सदर, भटनी, मैरवा, सिवान, एकमा, छपरा, तिगवारा, सोनपुर, हाजीपुर, देसरी, शाहपुर, पटोरी, पछवारा, बरौनी, बेगूसराय, साहिबपुर कमाल, मुंगेर, सुल्तानगंज, भागलपुर, बरहट जंक्शन होते हुए बांका से छूटकर देवघर पहुंचेगी। इसी प्रकार वापसी यात्रा में 05027 देवघर गोरखपुर अनारक्षित श्रावणी मेला विशेष गाड़ी, ये देवघर से 13 जुलाई से प्रतिदिन 19:45 बजे प्रस्थान कर बांका, बराहट, भागलपुर, सुल्तानगंज, मुंगेर, साहिबपुर कमाल, बेगूसराय, बरौनी, बछवारा, शाहपुर पटौरी, देसरी, हाजीपुर, सोनपुर, दिगवारा, छपरा, एकमा, सिवान, मैरवा, पटनी, देवरिया, सदर स्टेशनों से होते हुए चौरी चौरा से छूटकर गोरखपुर 11:20 पर पहुंचेगी। इस गाड़ी में SLRD के 2 कोच और साधारण द्वितीय श्रेणी के कुल 13 कोचों सहित 15 कोच लगाए जाएंगे, जिससे यात्रियों को श्रावणी मेला में जाने में बेहतर सुविधा मिलेगी। सुरक्षा के दृष्टिगत क्या इंतजाम रहेंगे? यात्रियों की मेला के दौरान जो भीड़ होती है उसको ध्यान में रखते हुए RPF और जो कमर्शियल का स्टाफ हैं वो सतर्क हैं स्टेशनों पर, और जो अनाउंसमेंट सिस्टम है, उद्घोषणा प्रणाली जो स्टेशनों पर लगी हुई है, उसके माध्यम से लगातार यात्रियों को जागरूक किया जाता है कि अफवाहों पर ध्यान मत दें। जब भी एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाएं तो FOB का प्रयोग करें। इवन आप लोगों के चैनल के माध्यम से भी मैं अपील करूंगा सभी से कि जब भी रेलवे स्टेशन पर जाएं किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दें। रेलवे के जो स्टाफ हैं, रेलवे के जो काउंटर्स इसके लिए बने हुए हैं आपकी सहायता के लिए, वहाँ पर जाएं अगर कोई जानकारी चाहिए। साथ ही साथ रेलवे ने सारी व्यवस्थाओं को अपने ऑनलाइन माध्यम से कर रखा है, चाहे वो ट्रेन की कोई इन्फॉर्मेशन हो या कोई अतिरिक्त इन्फॉर्मेशन, उसका भी उपयोग करें। अगर कोई शिकायत है रेलवे से या कोई समस्या है तो रेल मदद पे पोर्टल पे भी जाकर आप वहाँ पे अपनी समस्या शिकायत बता सकते हैं, और जब भी एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाएं तो FOB का उपयोग करें।
एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने शुक्रवार को पुलिस ऑफिस के सभी कार्यालयों का निरीक्षण किया, जिसके संबंध में एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया कि जन सुनवाई का निस्तारण हमारी पहली प्राथमिकता है, जिसको ध्यान में रखते हुए जन सुनवाई की जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसकी समीक्षा की गई। जो फरियादी ऑफिस में आकर अपना प्रार्थना पत्र देते हैं उसका कंप्यूटराइज रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है तथा एक रसीद भी दिया जा रहा है और फरियादी का जो प्रार्थना पत्र है उस पर आदेश करके संबंधित अधिकारी को जांच करके आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देशित किया जा रहा है कि समय से गुणवत्तापूर्वक निस्तारण हो, जिससे फरियादी को दोबारा कार्यालय न आना पड़े। यदि फरियादी दोबारा कार्यालय आता है तो दिए गए रसीद को लेकर आएगा, उसके आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। इस अवसर पर एसपीसीडी कृष्ण कुमार बिश्नोई सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा, बंद है क्या? हाँ हाँ बंद है। बड़े बाबू साखा है और सर चैंपियन में जो वाला वही दिखा रहे हैं सर, जहाँ जो डेप सको ये वाला सर सीओ ऑफिस सर वही ट्रैफिक साहब के लिए क्राइम मैन के दो दिन उन्हीं के लिए सीओ ऑफिस पीसीओ हो गया। ऐसे कर लीजिए जब तक हम बैठे हैं तब तक उनको बैठने की जरूरत है, बिजली कनेक्शन होना था सर, ठीक है सर, मच बेटर देन दिस और नए तरीके से तब तक बन भी जाएगा, तो खास बात ये नहीं बनेगा अभियोजन साथ देखिए जन शिकायतों का निस्तारण और जन सुनवाई गोरखपुर पुलिस की सबसे उच्च प्राथमिकता है, उसी को दृष्टिगत रखते हुए आज जन सुनवाई की जो पूरी प्रक्रिया यहाँ पर अपनाई जाती है और उसमें जो भी तब्दीलियाँ की गई हैं उसकी आज समीक्षा की गई है। जो भी फरियादी यहाँ पर आते हैं अपना प्रार्थना पत्र देते हैं उनको रजिस्ट्रेशन उसकी कंप्यूटराइज की जा रही है और उसकी रजिस्ट्रेशन स्लिप भी उनको दी जा रही है। जो प्रार्थना पत्र है उनके ऊपर एंडोर्समेंट करके संबंधित अधिकारी को जांच के लिए दिया जा रहा है। समय अवधि में निर्धारित समय अवधि में गुणवत्तापूर्वक और मेरिट के आधार पर सही निस्तारण हो, उसकी फीडबैक आए और प्रार्थी को बार बार यहाँ ना आना पाए इसको भी सुनिश्चित किया जा रहा है। यदि प्रार्थी किसी कारण से उसको दोबारा आना पड़ता है तो जो रजिस्ट्रेशन स्लिप उसको दी गई है उसी के आधार पर पूर्व में दिए गए प्रार्थना पत्र पर हुई कार्रवाई की समीक्षा की जाएगी और उनकी समस्या का निस्तारण किया जाएगा। ईद उल अजहा बकरीद की तैयारी शुरू हो गई है, जो 10 जुलाई को बकरीद का पर्व मनाया जाएगा। इस त्यौहार में बकरों की कुर्बानी दी जाती है, बकरे को कुर्बानी से पहले बकरीद तक उसे खिलाया पिलाया जाता है। आपको बता दें कि मार्केट में जिले के साथ साथ अन्य जनपदों के व्यापारी अपने बकरों को लेकर आते हैं, लेकिन इस बार बकरे की कीमत भी आसमान छू रही है। शहर के इलाहीबाग, गोरखनाथ, पुराना गोरखपुर, घंटाघर, खूनीपुर और जाहिदाबाद में बकरे की कीमत 10,000 से 20,000 तक है, जिसके संबंध में बकरा खरीदने आए ग्राहक ने बताया कि घंटाघर जामा मस्जिद के पास हर साल बकरीद के पर्व पर ज्यादा तादाद में बकरे का बाजार लगता है और यहां पर 1,00,000 से लेकर 3,00,000 तक के बकरे हर साल बिकते हैं। इस बार बकरे का रेट बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। उन्होंने बताया कि बाहर या मंडी से जो गाड़ियाँ आ रही हैं वह देरी से आ रही
रही हैं। वहीं बकरा बेचने वाले व्यापारियों ने बताया कि हम लोगों के पास बकरे कई दाम के हैं, 10,000 से लेकर 20,000 तक के बकरे हैं, लेकिन इस बार बकरीद में ग्राहक बहुत ही कम आ रहे हैं और जो ग्राहक आ रहे हैं 10,000 के बकरे का कीमत 5,000 लगा रहे हैं। उन्होंने बताया बकरों का कई नाम है, सुल्तान, जाहिर, सलमान रखा हुआ है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए बकरा खरीदने आए ग्राहक शमशीर अहमद तथा बकरा बेचने आए व्यापारी साहबुद्दीन एवं समीर ने कहा। हमारा नाम शमशीर अहमद। यहाँ हर साल बकरीद में इसी बकरे की बाज़ार हमेशा से लगी आई है और काफ़ी ज़्यादा तादाद में यहाँ बकरे बिकते हैं। यहाँ बकरे की कोई लिमिट नहीं है, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख तक के बकरे यहाँ हर साल बिकते हैं। कस्टमर आ रहे हैं इस साल जो है थोड़ा सा बकरियों का रेट बड़ा तेज़ है, थोड़ा सा मार्केट से भी ज़्यादा तेज़ इस बार हो गए हैं। क्या रीज़न? इसकी वजह यह है कि बाहर से जो गाड़ियाँ आ रही हैं थोड़ा सा रुक के आ रही हैं, फंसे हुई आ रही हैं, मंडियों से भी जो है गाड़ियाँ फंस के आ रही हैं। नाम भी रखा गया है, बहुत से नाम है, सलमान के नाम से भी है, कोई हीर के नाम से भी है, कोई जुल्फिकार भी रखा हुआ बकरों का नाम। इसमें बहुत से ऐसे ऐसे नाम हैं जो बकरों के रखे गए हैं। जी नाम समीर है। जी बकरे बस माहौल ठीक ठाक है, जो भी मतलब बकरा है बिक रहे हैं, ठीक है। रकम जी कस्टमर आ रहे हैं। बकरे का कई दाम के हैं बकरे, 10,000 से लेकर के 19,000 तक के हैं हमारे पास। कोरोना काल का जी, उसमें बहुत बकरे कैसे मतलब मर भी गए थे, इसलिए मतलब बकरे का दाम कुछ हाई चल रहा है। हमारा नाम सदरुद्दीन है। बकरी का हाल इसमें बहुत माहौल ख़राब है। कस्टमर आ रहे हैं, 10,000 का बकरा का दाम लगा रहे हैं 5,000। हाँ क्या क्या रेट का? अरे बकरा हमारे पास है 10,000 से लेकर 40,000 तक। क्या रीज़न है, क्यों कस्टमर इतना कम दाम लगा रहे हैं? कम दाम कोरोना काल में इसीलिए सब दाम बहुत कम लगा रहे हैं सब। क्या नाम रखते हैं? बकरा का नाम है सुल्तान। DPRO हिमांशु शेखर ठाकुर ने विकास खंड बेलघाट में तैनात सफाई कर्मी अमरनाथ की 23 मई को मृत्यु हो जाने के बाद उनकी पत्नी शकुंतला देवी को नियुक्ति पत्र सौंपा, जिसके संबंध में DPRO हिमांशु शेखर ठाकुर ने बताया कि 23 मई को बेलघाट में तैनात सफाई कर्मी की किसी बीमारी की वजह से आकस्मिक मृत्यु हो गई थी, जिसको देखते हुए उनकी पत्नी शकुंतला देवी को कागजी कार्यवाही शीघ्र पूरा कराकर नियुक्ति पत्र सौंपा गया है, जिससे परिवार का भरण पोषण हो सके और जीवन जीने में कोई कठिनाई न आए। उन्होंने कहा बेलघाट में ही उनकी पोस्टिंग की है, जिससे उनको आने जाने में किसी तरह की असुविधा ना हो। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए DPRO हिमांशु शेखर ठाकुर ने कहा। मैडम आपका क्या नाम है और आपके पति का क्या नाम था? ये किस ब्लॉक में कार्यरत थे? बेलघाट। के पति की असामयिक मृत्यु हो गई थी, उनके स्थान पर इनको लगभग 1 महीने के समय में इनको नियुक्ति दी जा रही है मृतक आश्रित कोटा से।
ताकि इनका परिवार का भरण पोषण हो सके और उनको हम इनके उज्जवल भविष्य के लिए कामना करते हैं कि अपनी नौकरी को सही से निभाएं और पंचायत का नाम रोशन करें। धन्यवाद। पत्र वितरण किया गया था क्या? हाँ, बेलघाट में 23 मई को एक सफाई कर्मी की मृत्यु हो गई थी। उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई थी किसी बीमारी की वजह से, तो उसके जगह पर उनकी पत्नी जो शकुंतला देवी हैं, उनको जो भी कागजी कार्रवाई थी उसको जल्दी पूरा करा करके हम लोगों ने उनको जो उनको NOC चाहिए था या जो उत्तराधिकार प्रमाण पत्र था, सारे प्रमाण पत्र डेथ सर्टिफिकेट इन सबों का को जल्दी से जल्दी करा करके जो भी वैधानिक कार्रवाई थी उसको पूरा करा करके, विधिक कार्रवाई थी उनको पूरा करके उनको कल हम लोगों ने नियुक्ति पत्र सौंप दिया, ताकि उनके उनके परिवार का भरण पोषण हो सके और वो आराम से अपनी नौकरी करके जो भी है बेलघाट में उनको पोस्टिंग कर दिया गया, ताकि वो अपना और जो उस गाँव का विकास में अपना योगदान कर सके। सर, ये पोस्टिंग नज़दीक गांव से नज़दीक है या? हाँ बिल्कुल, चूँकि वो महिला हैं, विधवा हैं, तो वो जहाँ पे रहती हैं उसके 8 किलोमीटर के अंदर ही हम लोगों ने 3 किलोमीटर लगभग वहाँ पे उनकी पोस्टिंग कर दी है, ताकि वो जाने आने में उनको कोई सुविधा ना हो, अपना काम करें और जो भी अपने परिवार का भरण पोषण करें और जो सरकारी ड्यूटी उसको निभाएं। शुक्रवार को घंटाघर स्थित जामा मस्जिद पर शांतिपूर्ण माहौल में जुमे की नमाज अदा की गई, जिसके संबंध में शहर काजी के सुपुत्र एवं समाज सेवी मोहम्मद कलीम फारूकी ने बताया कि 10 जुलाई दिन रविवार को बकरीद का त्यौहार मनाया जाएगा। बकरीद के दिन मुस्लिम समुदाय के सारे लोग नहा धोकर खुशबू लगाकर मस्जिदों में जाकर नमाज अदा करते हैं। बकरीद के पर्व में मुसलमान बकरों की कुर्बानी देते हैं। इस त्यौहार में जिनके पास 7 तोला सोना और 52 तोला चांदी महतार है और जिनका साल गुजर चुका है उनके ऊपर कुर्बानी करने का फर्ज है। मुसलमान के ऊपर कर्ज होता है जो कुर्बानी नहीं कर सकते। कुर्बानी के लिए जानवर खूबसूरत होना चाहिए, लंगड़ा लूला या उसके शरीर पर किसी प्रकार का चोट और ऐब नहीं होना चाहिए। उन्होंने बताया कि 10 जुलाई को सभी मुस्लिम समाज अपने अपने घरों में बकरों की कुर्बानियां देंगे और लोगों को मिठाइयां खिलाकर एक दूसरे से गले मिलेंगे और सभी हिंदू मुस्लिम भाई मिलकर खुशियां मनाएंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए शहर काजी के सुपुत्र एवं समाज सेवी मोहम्मद कलीम फारूकी ने कहा, आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सहप्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। शादी के 6 माह बाद पति और पति का दोस्त महिला से करते रहे सामूहिक दुष्कर्म। विरोध करने पर पति करता था मारपीट। मामला खोराबार थाना क्षेत्र का। ADG के आदेश पर दर्ज हुआ मुकदमा। SPCT ने कहा, आरोपी पति व उसके दोस्त की जा रही है तलाश, जल्द होगी गिरफ्तारी। आगामी बकरीद के त्योहार के मद्देनजर नगर निगम की तैयारी हुई पूरी। नगर आयुक्त ने कहा, नगर निगम के चिन्हित 45 जगहों पर ही होगी कुर्बानी। किसी भी हालत में खुले जगह पर जानवरों की नहीं होने दी जाएगी कुर्बानी। मस्जिद और ईदगाह पर साफ सफाई के लिए संबंधित को कर दिया गया है निर्देशित। जुलाई से शुरू हो रहे श्रावण मेले की तैयारियों पर जिलाधिकारी कृष्णा करुड़ेश ने कहा कि जनपद के सभी मंदिरों की करवाई जा रही है साफ सफाई। सुरक्षा के दृष्टिगत मंदिरों पर पुलिस कर्मियों की लगेगी ड्यूटी। सभी तैयारियां हैं पूरी। शांति सद्भावना समिति के सदस्यों की बैठक ADM सिटी विनीत कुमार सिंह व SP सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई की अध्यक्षता में NXC भवन के सभागार में सकुशल हुआ संपन्न। कहा, किसी तरह की असुविधा होने पर तत्काल ने पुलिस को सूचना, तुरंत की जाएगी मदद। पूर्वोत्तर रेलवे के सभी स्टेशनों पर लगाया जाएगा हाईटेक कैमरा। पूर्वोत्तर रेलवे के CPRO ने कहा, 33 में 11 स्टेशनों पर कैमरा लगाने की कार्यवाही की जा चुकी है पूरी। बाकी स्टेशनों पर जल्द लगेगा कैमरा, अपराधियों पर लगेगा लगाम। कैमरा पहचानेगा अपराधियों का चेहरा। IGRS पर आई शिकायतों के निस्तारण पर SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा कि सभी शिकायतों की जा रही है मॉनिटरिंग। निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को दिए गए हैं दिशा निर्देश। श्रावण मेले पर 12 जुलाई से 12 अगस्त तक पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर से देवघर तक चलाएगा स्पेशल ट्रेन। 13 जुलाई से 13 अगस्त तक देवघर से गोरखपुर के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन। पूर्वोत्तर रेलवे के CPRO पंकज कुमार सिंह ने दी जानकारी।
पुलिस ऑफिस के सभी कार्यालयों का एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने किया निरीक्षण, कहा जन सुनवाई का निस्तारण ही है उनकी पहली प्राथमिकता, फरियादियों के प्रार्थना पत्र का किया जा रहा है रजिस्ट्रेशन, फरियाद सुनने के बाद फरियादी को दिया जा रहा है रसीद, लिया जाएगा फोन करके फीडबैक। बकरीद के पर्व पर बकरों की कुर्बानी के लिए सजे बकरों के बाजार, आसमान छू रही है बकरे की कीमत, फिर भी बकरा खरीदने उमड़े ग्राहक। तेईस मई को विकास खंड बेलघाट में तैनात सफाई कर्मी अमरनाथ की मृत्यु हो जाने के बाद डीपीआरओ हिमांशु शेखर ठाकुर ने मृतक की पत्नी शकुंतला देवी को सौंपा नियुक्ति पत्र, कहा नौकरी से मृतक की पत्नी को जीवन जीने में होगी आसानी। और रविवार 10 जुलाई को मनाया जाएगा बकरीद का त्योहार, शहर काजी के सुपुत्र एवं समाज सेवी मोहम्मद कलीम फारूकी ने कहा मुस्लिम समाज अपने अपने घरों में देंगे बकरों की कुर्बानियां। अब मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।